Sapci le loro sapci. पहली रसोई इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या सोचा था, क्या पाया है जिंदगी में। ओ शेठ, मैं तो पर्स लाना ही भूल गई। अरे मीना भाई, शर्मिला लेना है आ रही हो, आ जा। शशि बहन आइए आप भी, एक एक हाथ हो जाए दोनों का फिर से। अरे मेरे चिप्स। ताई माई अक्का, विचार करा पक्का, मीना भाई से लो सब्जी का धक्का। हेलो मीना भाई। आई आई सुमित्रा दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसी हो? मैं ब्रांडेड। आओ क्या? आई फिर मिला दीदी। क्या फिर मीना भाई, कैसे चल रहा है धंधा? बहुत मस्त चल रहा है, बहुत मस्त। तुम्हारा मस्त और हमारा खस्ता हो गया है। देखो टमाटर को लेने की इच्छा भी नहीं होती, देखिए पेट भर जाता है। आओ क्या? आइए सखी दीदी। देखो शशि बहन शर्मिला, तुम दोनों की जो फाइट है ना, वो फाइट अब खत्म कर दो। इतना दिन नहीं चलता कोई भी फाइट, अच्छा भी नहीं लगता। शशि बहन बोलो 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 ना कुछ। ए शशि बहन शर्मिला, मेरे साथ नहीं चलेगी तुम्हारी ऐसी मस्ती, समझी ना सुमित्रा? लड़ो, मुझे क्या करना है। टमाटर कैसे दिया? 200 रुपए किलो। आगो भाई, टमाटर रहने दो, मैं टमाटर नहीं लेती, बहुत महंगा है। मुझे दे दो 2 किलो टमाटर। आमिरों के चोंचले। जरा जोर से बोल बे। आमिरों के चोंचले। चोंचले नहीं है ये आमिरों के शौक होते हैं। मेरे घर में टमाटर के बिना सब्जी होती ही नहीं है। भले ही टमाटर 200 रुपए किलो, 300 हो, 2000, 3000, 2 लाख, 3 लाख, फिर भी मैं खरीदने का दम रखती हूँ। दीदी ये लो। लौकी कैसे दिया? लौकी 20 रुपए के चल रहा है अभी, पाओ थोड़ा कम करके दो। नहीं नहीं ताई, लौकी में कुछ कम नहीं, पहले से लौकी का भाव गिर गया है, अभी 20 का चलो 15 दे दीजिए। 10 दस तो दस, वैसे भी कोई नहीं खाता लौकी, ये लीजिए। लौकी कैसे दी? 20 का है, कुछ कम करके दो। अरे जिसके जेब में हो दम, वो क्यों करेगा कम। आइए आइए शर्वरी दीदी। हेलो मीना भाई। शर्वरी जी, शादी का हंगामा उतर गया? वो होता है ना ऐसी, दोस्त की शादी होती है, वो पार्टी वगैरह, उसके बाद जो होता है हैंगओवर होता है। वाओ टेस्टी। हैंगओवर उतरने के लिए होना भी तो चाहिए, मुझे कोई हैंगओवर नहीं हुआ था। शादी में इसका चेहरा गुड़ गोबर जैसा था। मुझे 1/2 किलो भिंडी दीजिए और 1 किलो टमाटर। अरे आया आया, नई दुल्हनिया आया। शीला भी आ गई। आपकी ननद की शादी हो गई? हाँ हो गई। और मुझको नहीं बुलाया आपने? आप कौन? पहली रसोई होगी है शीला। क्या तुम नहीं दुल्हनिया? मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। प्रॉब्लम दरअसल ये हो गया है, 1 किलो टमाटर बाकी है, और आपसे पहले ना ये सर्वरी दीदी ने टमाटर मांगे थे, अभी इनको दू क्या आपको दू समझ में नहीं आ रहा। ये भी कोई पूछने की बात है, शीला को दो, उसकी पहली रसोई है। सर्वरी जी आप आज के दिन कुछ और खा लीजिए, वैसे भी आप एक ही मुंह खाने का, उसके घर में अभी उसका हस्बैंड है, सास ससुर है, वो अकेली, तो 4 जन तो है ना, तो उनको ही दो। वो सबसे पहले मैंने टमाटर मांगे थे तो ये देखिए शर्वरी जी, समझा कीजिए, पहली रसोई तो जाहिर सी बात है, वो अपने पति का पसंद का कुछ बनाएगी। बराबर, पति के पसंद का ही खाना बनेगा, पहली रसोई है उसके, अभी जो अभिजीत को पसंद होगा वही बनेगा। अभिजीत को नहीं है पसंद टमाटर के सब। आपको कैसे पता अभिजीत को टमाटर की सब्जी पसंद है? दरअसल मैं उसको बचपन से जानती हूँ, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पता है मुझे। उसको क्या पसंद है क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पसंद है इसलिए मैं ले रही हूँ। शादी के बाद अक्सर चीजें बदल जाती है, जो पसंद होता है वो पसंद नहीं आता, और जो पसंद नहीं होता है वो पसंद आ जाता है। पसंद बदल जाती है, अभी दुल्हन बदल गई वैसे पसंद भी बदल सकती है। इसको क्या हो गया भाभी? उसको आदत है झटके मारने की। मैं एक काम करती हूँ, तुमको सारी सब्जियां लेके देती हूँ, इसको ना
ये लो शीला, अच्छे से पहले रसोई करना, हमारा नाक मत काटना। क्या करो, कुछ आता ही नहीं। कट गई नाक। आए, हिंदी अच्छी है भाभी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम कर लोगी। सुमित्रा दीदी, आप बस देख रही हो, कुछ नहीं लोगी क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। सब्जी ले लो रे, सब्जी लाई है मैंने, सारी सब्जियाँ। अभी मैं किचन में नहीं आने वाली, जो करना है तुझे करना है। बहू रानी, ऑल द बेस्ट। कभी खुद के घर के किचन में कदम नहीं रखा, अभी सबके लिए खाना बनाना पड़ रहा है। माँ, शीला को आदत नहीं इन सब की। आप इसे तो बीबी की चमचागिरी करने लगा। पहली रसोई है सबको करनी पड़ती है, मैंने भी की थी। इसमें पता चलता है मायके वालों ने कितना सिखाया और कितना नहीं। वो यहाँ थी नहीं, 6 साल से जापान में थी। तो क्या हुआ, लड़की है ना, वो खाना तो आना ही चाहिए। माँ ये देखो, जरूरी नहीं हर लड़की को आना चाहिए खाना। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको शादी से पहले सब कुछ सिखा देती। माँ आप इसे चमचागिरी करने लगा है। जा रहा हूँ मैम। कहाँ जा रहा है? कॉल करना एक इम्पोर्टेंट। मम्मी को कॉल करती हूँ। मम्मी, शीला को वीडियो कॉल। हेलो मम्मी। हे माय डॉटर, कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मम्मी, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। व्हाट हैपेंड, व्हाई यू क्राइंग? बे बे बे, क्या हुआ? रुक रुक, वही पूछ रही हूँ, बोल बोल क्या हुआ, रो क्यों रही है? आज मुझे खाना बनाने के लिए दिया है, उनकी ये मजाल। नौकरानी लेके गए क्या? कि तुझे काम बता रहे, दे दे तेरी सास को फोन, दे उसकी हेकड़ी निकालती हूँ। मम्मी मेरी पहली रसोई है, मुझे करना है सब। सच में आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? अभी शादी हो गई तो पहली रसोई करनी पड़ेगी ना, हमने भी की थी। हाँ पहली रसोई करना, फिर कुछ अच्छा सा करना। क्या करो, कुछ नहीं आता मुझे। हंस क्या गया, हंसिए मत, हंसने की चीज है, आपके बेटी को कुछ नहीं आता, अब दांत निकाल रहे हो, पहली रसोई है, हमारा नाक कट जाएगा ना वहां पे। जोक तुमने ही बना दिया है खुद का। कुछ भी नहीं आता, इतू सब ने। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं आता। शीला जब तू यहाँ पे थी ना तभी सीख नच रही था, देख सब। जब सुन भाई इतना बोलती थी, मैं शीला को कुछ सिखा देती हूँ, मैं शीला को कुछ सिखा देती हूँ, तब क्या बोलती थी ये? मैं मेरी बेटी की शादी बहुत बड़े राजमहल में करूंगी और वो राजकुमार उसको बिल्कुल काम करने नहीं देगा, ऐसे नौकर चाकर उसके नीचे से घूमेंगे और मेरी बेटी एकदम ऐसे हवा में उड़ेगी, ऐसा बोलती थी। अब क्या हो गया? आप ही की वजह से हो गया सब। क्या जरूरत थी फुसके बम के साथ शादी करने की? पड़े तब, मैं मेरी बेटी का भला चाहता हूँ, भला चाहता हूँ। क्या हो गया ये? देख शीला, ये देख अपने जज्बातों पे काबू रख, ऐसे जज्बातों में बहना अच्छी बात नहीं है। मुझे भी कुछ नहीं आता था। You and me, both we are same. On this stage, I also don't know anything about cooking. मैं भी वैसे ही घुस गई किचन में, पर मैंने अपने आप को संभाला था। मैंने अपने आप को कहा लेला, ये देख, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हुआ, शीला की वीडियो कॉल क्यों आया? शीला की आज पहली रसोई है, पर आपको तो पता है आज तक उसने कभी कुछ अपने हाथों से नहीं किया। भाई इधर दो, इधर दो। भैया, ए भैया, अब क्या हो गया? हाँ, इधर बड़ी दादागिरी करती थी, अब दूसरों की रोटियां सेकने लगी है। मम्मी, केकड़े मार खाना है क्या तुझे? दिल को एकदम सुकून मिल रहा है तुझे ऐसा देखते हुए। सारे बदले मेरे पूरे हो गए, सारे सारे जितने भी थे उतने। भैया को कुछ समझाओ ना। क्या समझाइए? अभी कुकिंग कर, तू कुकिंग वहां पे, ये तो मार खाएगी। इधर मोबाइल दे। क्या हो मम्मी, पिटाई हो रही तेरी भैया की? हंस मत नलायक। आता जाता कुछ नहीं, दांत निकल रही वहां पे। मम्मी, अच्छा अब मैं जो कहती हूँ वो कर, पहली रसोई है तो कुछ अच्छा ही बनाना पड़ेगा तुझे। ठीक है, आप जैसे कहोगी वैसे ही करूंगी। मोबाइल रख पहले वो कहीं पे।
मम्मी बताओ अभी मैं क्या करूं। हाँ अभी सबसे पहले शुरुआत करेंगे रोटियों से, वो इम्पोर्टेंट है। सब्जी तो बाद में बना सकते हैं, पर रोटियों के लिए टाइम जाता है, पहले आटा गुनना पड़ेगा। आटा ले। अच्छा ठीक है, आटा कहाँ पे है? मैं आऊँ क्या मोबाइल में से घुस के तेरा आटा ढूंढने के लिए? सॉरी, ढूंढ आटा। मिल गया मम्मी, सफेद सफेद है। हर सफेद चीज आटा नहीं होती, ऐसे ऐसे करके देख थोड़ा सुमेल ले। नहीं मम्मी, मुझे तो लग रहा है गेहूं का ही है, गेहूं ही होगा। अभी छन्नी से छान ले आटे को, नहीं तो बना देगी वैसी ही रोटियां। ओके, उसमें थोड़ा सा तेल डाल, तेल से स्वाद बढ़ता है। अभी अभी पानी डाल। बस बस बस, अरे बस! कितना पानी डाला? नहीं मम्मी, मुझे लगता है बराबर है, आटा बहुत सारा है। सूप जैसे हो गया वो, डाल उसमें और बकेट भर के पानी। बोल रही हूँ रुक रुक, माँ की सुननी नहीं है। सॉरी मम्मी, अभी अभी थोड़ा सा आटा मिक्स कर उसमें वापस, थोड़ा ही डालना। अरे बस, पूरे गांव के लिए करनी है तुझे रोटियां। अच्छा मम्मी, सब्जी में क्या करूं? ओ मैडम, पहले रोटियां कर, सब्जी आगे जाके खराब हो गई तो कम से कम तेरे घर वाले रोटी खा के पेट तो भर लेंगे। और रोटी में भी गड़बड़ हो गई तो? अपनी बड़बड़ बंद कर, जब देखो तब नेगेटिव बोलती रहती है, पॉजिटिव ले सौरत। कर कर तू। हो गया मम्मी, मुझे ऐसा लगता है 5 मिनट हो गया, अब रोटियां बेल। बहुत मुश्किल है, आपको तो पता है हर बार लक्ष्य निकलती। अपने लक्ष्य जैसा मुंह बंद रख। बेल बेल बेटा, आई एम विद यू, आई नो यू कैन डू दिस। मम्मी हो गया, आपको दिखाती हूँ। ये कौन सा नक्शा? जापान लग रहा है शायद। मम्मी क्या बोल रहे हो, कभी तो मेरी तारीफ क्या करो? कुछ अच्छा तो कर, फिर करूंगी तेरी तारीफ। तेरी सास ने देख लिया ना जापान को, फिर देख तेरी और मेरी दोनों की बचाएगी। नहीं नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा है शिला। ए बात सुनना मेरी, एक काम कर, कोलकाता का नक्शा बना दे, शायद उनको पसंद आ जाए। इसकी बैटरी भी अभी खत्म होनी थी। अरे काट दिया क्या तूने? बैटरी उतर गई शायद बेचारी की, मेरी जैसी ही एकदम। रोटियां बस हो गई है, मैं सब्जी करनी है गीली, एक सूखी, राइस भी तो करना है, अरे मिठाई भी बाकी है। मम्मी कैसी चल रही है कुकिंग? ये क्या बना दिया? देख नहीं रहा तुम्हें, रोटियां कर रही हूँ मैं। रोटी तो नहीं लग रही, मुझे ऐसा लगता है ये जापान का नक्शा है। उनको तो कुछ नहीं करना, शादी करके जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी, अभी बेल रही हूँ रोटियां, पता नहीं कैसे होगा। ये करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैंने एक्चुअली बाहर से पार्सल लाया। दो दो इधर। क्या दो दो? दो दो क्या होता है? ऐसे नहीं दूंगा मैं, थैंक यू तो बोलो कम से कम। मैं क्यों बोलूं थैंक यू? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ उसके लिए। मैं नहीं बोलूंगी थैंक यू, तुम चुपचाप मुझे दे दो वो। नहीं मिलेगा फिर। दो। लग गिर जाएगा शिला। दो इधर। पहले थैंक यू बोलो। मुझे चाहिए अभी चीज, दो इधर, देखो मेरी रोटी कैसे देख रहे। पहले थैंक यू बोल रहा था मैं, गिर जाएगा, गिर गया। मम्मी या। 2 मिनट में खुशियां। हो रे बाबा, पता नहीं क्या कर रही है लड़की, 2 घंटे से किचन में घुसी है,
कुछ हुआ कि नहीं शीला? माफ करना, थोड़ा देर हुआ, इंतजार करना पड़ा, पर मैंने आज जो बनाया है वो काफी स्पेशल है। इंडिया के घर घर में बनता आ रहा है, एकदम सिंपल एंड इजी। सबके इसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी है। अरे बाप रे, ऐसा क्या किया? मैंने बहुत दिल से, बहुत मेहनत करके इसको बनाया है, पेश है आपके सामने। मैगी हम सबकी पसंदीदा, मैंने बनाई है जापानी स्टाइल में। दुग्गा, पहली रसोई में ये किया है तुमने? ये खाए हम, ये भोग चढ़ाओ में भगवान को। शांत हो जाओ, चुप बैठ तो। माफ करना पर ये हम नहीं खा सकते, ना ही मैं ये भगवान को भोग चढ़ा सकती हूँ। मुझे लगा इसको कुछ आता होगा, पर इसको तो कुछ भी नहीं आता। आपको एक बार पूछ लेना चाहिए था। पूरी बाबा, उल्टा जवाब दे रहे तू सास को। अभी शादी को एक ही दिन हुआ है तेरे। बराबर ही तो बोल रही है वो, आपको बहुत जल्दी थी शादी करने की। तू चुप बे, ज्यादा अपनी बीवी की साइड मत ले। अभी कल से तुम्हारी कुकिंग की क्लास शुरू। कुकिंग क्लास? एक महीने में ना ही तुमको सीधा कर दिया तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं।